कंफर्मेशन के हिसाब से दो दो अलग अलग एनकाउंटर साइट्स पे एनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से छह आतंकियों का मारे जाने का खबर है। जी जी सर, कितनी बड़ी सफलता है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि काफी चल रहा था पिछले दिनों से इंटेलिजेंस इनपुट इस अंदाज से, जम्मू में कुछ टेरर अटैक्स हुए थे और लगातार उसके बाद ऑपरेशन आपने शुरू किए, डोडा में चार टेररिस्ट मारे गए, उसके बाद बारामूला में और अब साउथ कश्मीर के कुलगाम। निशंदे ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए। ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़ कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी और इसमें लगातार इस तरीके का सक्सेसेस आते रहेंगे और जो भी कोशिश होगा दूसरे साइड से, उन्होंने मजबूर हैं अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का, पर हम अपनी सिस्टम को, अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी एजेंसीज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सब मिलकर और खासकर जैसे मैं बार बार जगह जगह पर कहता हूं कि आवामी सपोर्ट के साथ, लोगों के साथ इस चीज को हम जरूर जीतेंगे और हम ये समझते हैं कि लोगों का पीस में, शांति में और ज्यादातर और लोगों का जान बचाने के लिए, इस अफरा तफरी को खत्म करने के लिए मेरे ख्याल में सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और ये एक और जोर पकड़ रहा है। कुछ आइडेंटिफिकेशन हुई है, कौन सा ग्रुप था ये, कहां से आया? अभी ऑपरेशंस चालू है इसलिए एक जगह में अभी ऑपरेशन कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है, तो जब हो जाएगा तब हम क्लैरिटी के साथ बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो तंजीम आपस में भी कोऑर्डिनेट करके बैठते हैं, तो इसलिए जब हम एक एक करके इसकी वो करेंगे तब इसमें लोकल टेररिस्ट्स का भी होने का खबर मिली है, तो इसकी जब कंक्लूजन पे आ जाएगा तब हम सटीक तौर पे ये कह पाएंगे कि तंजीमों के हिसाब से कि क्या एक ही तंजीम के थे या एक से ज्यादा के थे। नहीं ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज है, नंबर एक ऐसी चीज है जो हमेशा सिक्योरिटी सिचुएशन की पैरामीटर्स को या सिक्योरिटी सिचुएशन को बयान नहीं करती है और पर हम हर इंसिडेंट को, हर एक्ट को बड़ा ग्रेविटी के साथ और बड़ा सीरियसनेस के साथ लेते हैं। तो मैं जैसे जगह जगह पर कहा हूं कि जम्मू साइड में एक पुराना चीज को एक्टिवेट करने की कोशिश है, तो इसीलिए जब एक जगह में कुछ हद तक, कुछ देर तक लास्ट इंसिडेंट 2006-2007 के बाद अब जब इंसिडेंट्स होने लगे हैं या होने की कोशिश हो रही है तो एक कंसर्न पैदा होती है, पर उस कंसर्न का मतलब नहीं है कि दुश्मन ने कोई भारी कामयाब हासिल करी है। देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी है आतंक का एक इंसिडेंट करना, पर आतंक के पीछे एक सपोर्ट बेस को खड़ा करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। आज आप अगर जम्मू की बात करते हैं तो उसी जम्मू के जिले में आप जाइए, गंदो में आप जाइए, डोडा में आप जाइए, उधमपुर में आप जाइए, डुड्डू बसंतगढ़ में, बनी मछेड़ी में आप पाएंगे। अगर आप मेरे मीडिया मित्र जब जाएंगे वहां पे, लोगों से बात करेंगे तो आपको ये पक्का पता चलेगा कि वो माहौल नहीं रहा है। तो कोई आतंक को फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम है वो नहीं है, वो हमारा सबसे बड़ी कामयाबी है।
तो हम उस कामयाबी को बुनियाद बनाते हुए हम उम्मीद करेंगे कि हम अमन को और शांति को कायम रखवाएंगे।